हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं शिल्पी हूँ। मैं पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड हॉर रिलेटेड वीडियोस अल्टरनेटिव डेज एंड कभी कभी तो डेली भी। आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो एंड मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है, जो रेड कलर का बटन है आपको उसको प्रेस करना है और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाना है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा फ्लिपकार्ट पैंट एंड जीन्स हॉल। बहुत टाइम से मैंने आपके साथ फ्लिपकार्ट का कोई वीडियो शेयर नहीं करा था, बहुत टाइम से आप बोल भी रहते थे पैंट्स एंड जीन्स हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अभी मुझे रिसीव हुई है, अभी मैंने कोई भी पैकेट को कट नहीं किया है, साथ में कट करेंगे। जो भी मेरे को रिव्यू होगा, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इसमें कुछ पैंट्स एंड कुछ जीन्स है जो मैंने ऑर्डर की थी और साइजेस वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 और 6 पैंट्स है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कितनी मैंने ऑर्डर की थी, काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था शादी में जाने से पहले, लेकिन शादी में इतना बिजी हो गई थी एंड आने के बाद भी मैंने देखा ही नहीं, इवन खोल के भी नहीं देखा कि जो मैंने ऑर्डर किया था सेम मेरे को रिसीव हुआ नहीं हुआ। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, आप ऑर्डर कुछ करते हैं आपको रिसीव कुछ और हो जाता है। तो होप सो कि जो मैंने ऑर्डर किया है वही मुझे रिसीव हुआ हो। तो फर्स्ट पैकेट कट करते हैं एंड सबके मैं आपके साथ जो मेरा साइज़ होगा वो भी मेंशन कर दूंगी और साथ ही साथ ट्राई ऑन भी करूंगी। तो लुक देख लीजिएगा कि कैसा आने वाला है। ओके, फर्स्ट जींस जो मैंने ऑर्डर किया है पैंट एक्चुअली, ये इसका जो ब्रांड है वो है वेन्यूजन। मोस्टली मैंने इस बार ट्राई किया है कि कुछ फॉर्मल पैंट भी आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको वर्क प्लेस पे आपको कुछ कंफर्टेबल चाहिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड इनफॉर्मली भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्मली भी आप इनको यूज़ करेंगे। वाओ, इट्स वेरी कूल, लुक एट दिस गाइस। ये चेक में मिल जाती है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसका कुछ इस टाइप से डिटेलिंग है, यहाँ पर गोल्डन बटन्स की डिटेलिंग है एंड क्लोजर के लिए यहाँ पर एक जिप की डिटेलिंग है। देखने से तो मुझे थोड़ा बड़ा लग रही है, मेरे वेस्ट पे बड़ी आएगी, बट अभी ट्राई ऑन करेंगे तो देखते हैं। साइज जो मैंने इसमें लिया है वो है 30। प्राइस इस पे है 1900 रुपीज़, लेकिन आई थिंक मैंने इसको 600 या 700 की रेंज में ही मैंने रिसीव किया है, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। इसका जो मटेरियल है प्योर कॉटन नहीं है, लाइक जो पेंट वाला फैब्रिक होता है कुछ उस टाइप से इसका फैब्रिक है। लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्ट्रेट में मिल जाता है बिल्कुल। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को एंकल लेंथ तक ही आएगा। तो अभी इसका ट्राई ऑन करते हैं, देन इसका पूरा मैं आपको रिव्यू देती हूँ। दिस इज़ अ फर्स्ट पैंट लुक, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मटेरियल है एंड देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। बस हल्का सा मेरे को यहाँ से वेस्ट से लूज़ है, बट 28 मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि फिर लास्ट टाइम भी मैंने किया था तो वो टाइट था, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से साइड से मैं ऑर्डर करा लूँगी। ये जो यहाँ पर डिटेलिंग दी हुई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप इसको फॉर्मली भी पहन सकते हैं एंड नॉर्मल आप इसको कोई भी अपने टॉप के साथ तो पहन ही सकते हैं एंड ऑफिस के लिए भी काफ़ी परफेक्ट है। एंड उसमें जो ये चेक वगैरह है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मटेरियल स्ट्रेचेबल तो नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा ये कंफर्टेबल है तो स्ट्रेचेबल का ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको थम्स अप दूंगी। डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आपके साइज में मिल जाता है। जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो एक पीच कलर की ट्राउज़र है। देखने से मुझे ऐसी लग रही है ट्राउज़र एंड जीन्स क्या है, अभी देखते हैं इसमें। ओके, इसका जो मटेरियल है वो लाइक पतला वाला जो डेनिम होता है ना उस टाइप का फैब्रिक है। ब्रांड है इसका टोक्यो टोकीज एंड इसमें जो मैंने साइज लिया है अपना वो है 30, क्योंकि 28 लास्ट टाइम मैंने लिया था ना वो थोड़ा सा मेरे को थाई से टाइट आ रहा था तो वो उसमें इतनी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए मैंने इस बार 30 पिक किया है। यहाँ क्लोजर के लिए आपको जिप एंड बटन्स मिल जाएंगे। इसका एक्चुअली मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी मतलब सॉफ्ट सा है एंड इस टाइप से है। यहाँ पे नीचे ऐसे जो हेम्स हैं उसमें से कुछ फोल्ड की डिटेलिंग है एंड बैक से कोई पॉकेट नहीं है, साइड में पॉकेट्स की भी डिटेलिंग है। इसका जो मटेरियल है वो अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया इस पे डार्क कलर की एंड लाइट कलर दोनों कलर के टॉप्स को आप पेयरअप कर सकते हैं। तो अब इसका ट्राई ऑन करते हैं, देन इसका फिट देखते हैं।
ये वाली जींस भी काफ़ी परफेक्ट है, मटेरियल्स का अच्छा है, हल्का सा मेरे को यहाँ से थोड़ा टाइट आ रहा है, अदरवाइज ऊपर से बिल्कुल वेस्ट से एंड इसका लेंथ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आया है, मटेरियल बहुत अच्छा है, ये भी स्ट्रेचेबल नहीं है, बहुत ही हल्का सा स्ट्रेचेबल है एंड इसका ये पूरा लुक जो है एंड पॉकेट्स वगैरह बिल्कुल अच्छी है, बैक से कुछ इस टाइप से है, इसमें शायद कलर्स अवेलेबल नहीं थे, यही कलर है बट बहुत ही लाइट सा पीच कलर है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने ग्रीन कलर एंड डार्क कलर में पहना है तो आप इसको पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा, तो इसके लिए भी मैं थम्स अप दूंगी, उतना ज़्यादा नहीं जितना फर्स्ट वाला था, ये भी अच्छा है, मतलब हल्का सा अगर ये थोड़ा सा मेरे को सही आता ना तो बिग 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 थम्स अप था इसके लिए भी, इसका जो नीचे से ये डिटेलिंग दी हुई है ना वो भी बहुत अच्छा। जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये ऑलिव ग्रीन कलर का ट्राउजर ही है ये, एंड इसका जो लुक है वो थोड़ा सा पेपर बैग स्टाइल है, मतलब पीछे से इसमें ऐसे इलास्टिक की डिटेलिंग है एंड ऊपर से एक आपको ब्रॉड सी बेल्ट मिल जाती है और क्लोजर के लिए बटन एंड जिप है यहाँ पे, एंड इसका जो लुक है पूरा वो स्ट्रेट में है, थोड़ा सा लाइक जैसे क्लॉथ्स टाइप होते हैं उस टाइप से इसका लुक है, ये थोड़ा सा यहाँ से काफ़ी चौड़ा है, मतलब ऐसे नहीं है बिल्कुल पतला वाला जैसे होते वैसा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट में है, तो इस टाइप के जो ट्राउज़र एंड पैंट्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, अगर आपको कुछ ट्रैवल करना है एंड कुछ कंफर्टेबल सा आपको बॉटम वियर चाहिए उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये, एंड इसका कलर प्रिटी है, इसमें कलर शेड्स अवेलेबल थे, आई थिंक वाइट कलर है, एक रेड कलर भी है, लेकिन मैंने इस पर इसको ऑलिव ग्रीन कलर में पिक किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, यहाँ पर इसमें दोनों साइड पॉकेट्स भी है तो अभी इसको पहन के आते हैं, देखने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइट होगा बट मैं आपके साथ तब पहले एक बार पहन लूं तब उसका रिव्यू शेयर करूं। ये वाली पैंट भी बहुत मतलब अच्छी लग रही है, बाकी आप बताइए कमेंट में कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, हल्का सा मेरे को ये वेस्ट से टाइट है, अभी मैंने टक इन कर रखा है, अगर शायद टक इन ना करूं तो थोड़ा सही रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा वूलन है तो थोड़ा मोटा भी है तो शायद इस वजह से थोड़ा टाइट हो, अदरवाइज ऐसे में देखूं तो ये शायद हाँ ऐसे अगर मैं टक इन नहीं करती हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट है ये वेस्ट से, ये भी प्रॉपर हाई वेस्टेड, सारी जो पैंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हाई वेस्टेड है एंड इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, नीचे से मुझे जिस इसका फिट आया है ना थोड़ा सा स्ट्रेट वाला वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैक से भी फिट वगैरह बिल्कुल परफेक्ट, मटेरियल वगैरह तो अभी सभी के अच्छे हैं, मतलब एंड प्राइस जो होंगे वो साइड में मेंशन कर दूंगी बिकॉज एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, काफ़ी पहले मैं इनको ऑर्डर किया था मैंने इनको, एंड नेक्स्ट जो है ये कुछ बेज कलर में है एंड इसका ब्रांड भी टोक्यो टोकीज है, इस बार मैंने थोड़ा सा ट्राउजर स्टाइल मंगाया है, प्रॉपर सारे हाई वेस्टेड है तो अपने क्रॉप टॉप वगैरह या जैसे क्रॉप स्वेटशर्ट है अभी ठंडी है उसमें आप इजीली वियर कर सकते हैं, इवन ये इतना ज़्यादा ना मतलब फिट नहीं है, अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो इसके अंदर लाइक वॉर्म वाली जो एक पतली वाली जो स्टॉकिंग्स होते हैं ना वो भी आप इनको वियर कर सकते हैं इजीली, तब भी इसके साथ आप पहन सकते हैं, मतलब बहुत टाइट नहीं है इनका किसी का भी पैंट्स एंड जींस का फिट, ओह वाओ ये भी कूल है काफ़ी, मतलब जैसे मैंने देखा था जैसे मैंने ऑर्डर किया था मोस्टली सारे मुझे वैसे ही रिसीव हुए हैं, यहाँ पर ये कुछ कार्गो स्टाइल है, यहाँ पे पॉकेट्स है नी के पास, यहाँ पर इसमें साइड में भी पॉकेट्स है, बैक से भी पॉकेट्स है, क्लोजर के लिए बटन है, जिप है, ब्रांड इसका टोक्यो टोकीज़ी है, साइज़ मैंने अगेन इसमें 30 मंगाया है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मेरे को 28 थोड़ा सा टाइट था थाइस पे से, पीछे यहाँ पर ऐसे इलास्टिक की भी डिटेलिंग है, ऐसे अगर आपको इलास्टिक मिल जाते हैं ना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आपको टाइट भी हो ना तो इलास्टिक की वजह से वो एडजस्ट हो जाता है, मटेरियल इसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब लाइक हल्का वाला जो डेनिम टाइप होता है ना उस टाइप से है, पैंट्स वाला फैब्रिक नहीं है, लाइट डेनिम वाला फैब्रिक है, लेकिन फैब्रिक की क्वालिटी जो है मटेरियल की क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, एंड इसका बाकी अब इसको हम पहन के आते हैं देन इसका मैं रिव्यू करती हूँ फिट एंड। ये वाली काफ़ी कूल है सही में, इसका कलर फिट जो सेकंड वाली के साथ था ना मेरे को यहाँ से थोड़ा सा टाइट हो रहा था वैसा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कार्गो की डिटेलिंग है, अच्छा ये वाली पैंट ना कुछ कुछ वैसी है जैसी मेरी ज़ारा की ऑलिव ग्रीन है, इसमें शायद अगर वो कलर है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं बिकॉज इसका जो मटेरियल है एंड इसका जो फिट है वो बहुत अच्छा है, साइज़ आई थिंक मैंने 30 था ना इसमें और इसका ब्रांड टोक्यो टोकीज़ था तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी, तो आप इसको इसके साथ ना बहुत सारे आउटफिट क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपनी पैंट्स इसको शर्ट के साथ, टॉप के साथ, ब्लेजर के साथ, हुडी के साथ, स्वेट शर्ट के साथ, बहुत तरह से आप इसको पेयर अप कर सकते हो, कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, बाकी तो मुझे वाला कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी मैंने कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया हुआ है तो सेम कलर है ये जो आपको मिलेगा, तो इसके लिए बिग 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 थम्स अप एंड हाईली रिकमेंडेड, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। ओपन करते हैं लास्ट पैकेट को,
ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 प्रिंट्स हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने 5 ऑर्डर किया था या 6 ऑर्डर किया था, मैं भूल गई हूँ, इतना सारा ऑर्डर कर देता हूँ तो भूल जाती हूँ। ओके, इसमें एक ही है। ये जीन्स है वो भी एकदम परफेक्ट कलर में जो होनी ही चाहिए, डार्क ब्लू कलर है ये वाला कलर। इस वाले कलर को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको मतलब लेना ही चाहिए, बहुत सारे आपके टॉप्स हैं ना तो पेयर अप कर सकते हो आप उनको इसके साथ। स्किन फिट है ये तो विंटर्स के लिए अच्छी होगी। इसका जो ब्रांड है इस पे ब्रांड, हाँ वेन्यूजन इसका ब्रांड है। एंड आई थिंक मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थी इसलिए मैंने सेम कलर में इसको पिक किया। शायद ये 500 या 600 की रेंज में हो। साइड में फोटोज मेंशन कर दूंगी। इसका जो साइज मैंने लिया है वो है 30 एंड यहाँ पे मेंशन है स्किनी फिट। सॉरी, यहाँ पे ऐसे बटन्स हैं एंड जिप है, पॉकेट्स है, पूरा ऐसे स्किनी वाला फैब्रिक। थोड़ा सा मुझे हैवी हैवी लग रहा है, मतलब नॉर्मल जो डेनिम होता है उससे मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। बाकी पहन के देखते हैं कि फिट वगैरह कैसा है, क्योंकि देखने में तो लुक बहुत अच्छा लग रहा है। वाइट कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, बहुत सारे कलर्स के आपके टॉप वियर्स के साथ पेयर अप हो जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि ये कलर ऐसा है ना कि सबके साथ ईजिली पेयर अप हो जाता है। अगर आपको साइज में आपकी मिल जाती है तो मैं अभी पहले रिकमेंड आपको तब करूँगी, पहले इसको हम पहन लेते हैं देन मैं इसका रिव्यू आपके साथ करूँगी, तब मैं आपको इसको रिकमेंड करूँगी कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो ये है लास्ट जीन्स फिट। इसका लुक ना बिल्कुल वैसा वाला लग रहा है जैसे मेरा H&M का एक जीन्स है ना जिसको आप बहुत पूछते रहते हैं। बिल्कुल इसका फिट वगैरह यहाँ से बिल्कुल टाइट एंड नीचे से बिल्कुल परफेक्ट है और स्ट्रेचेबल भी है इसका मटेरियल जो है, तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। पीछे से इसका पूरा लुक भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऐसे बटन्स एंड सब है, पॉकेट्स है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सारी सेकंड वाली बस मेरे को थोड़ा सा कम अच्छा लगा, बाकी जो चारों हैं एकदम परफेक्ट है। हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आपको, अगर आप अफोर्डेबल प्राइस की पैंट्स एंड जीन्स ढूंढ रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। सो गर्ल्स, ये था जीन्स एंड पैंट्स का कलेक्शन, आई होप आपको पसंद आया हो। काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब सारी जो मैंने ये पैंट्स एंड जीन्स खरीदी है अंडर 600 के अप्रॉक्सी है, तो आपको आई होप पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड यूजफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से सबसे अच्छा पैंट कौन सा लगा और आप कौन सा लेने वाले हो। जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से, रेड कलर का बटन है आपको उसको प्रेस करना है एंड जो बराबर में बेल आइकन होगा ना उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस नहीं करेंगे एंड सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।